नमस्कार आदाब भाई, रूबरू कहते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। आज पूरे प्रदेश की नजर लगी हुई थी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर जिसको रिजर्व रखा गया था और आज फैसला आना था नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर, क्योंकि इसलिए जारी था, चुनाव नहीं हो रहे थे, सबकी निगाह लगी हुई थी और पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव की तैयारियां चल रही थी। लेकिन आज बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया ने। उन्होंने ये भी कह दिया है और साफ आज जो गेंद है वो सरकार के पाले में डाल दी है कि चुनाव कब होगा इसका फैसला सरकार करे या आयोग करे। उन्होंने कहा जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा। यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ये झटका भी लगा था, लेकिन पहले 3T फार्मूला अपनाए सरकार, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा, और सरकार चाहे तो बिना आरक्षण भी चुनाव कराए, यानी कि कोई सी भी स्थिति में चुनाव करा सकती है, चाहे वो इसको सामान्य सीट पर ही चुनाव कराए। आइए, जो चीफ एडिटर है आरिफ शीश महली एडवोकेट लखनऊ में मौजूद, पल पल की अपडेट पर लेते रहे हैं जीरो ग्राउंड। जैसे कि आपको लगातार इंतजार था, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के लिए बड़ा फैसला आ गया है। आज उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया है और फैसला जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस लवानिया ने सुना दिया है। जस्टिस लवानिया और जस्टिस डी के उपाध्याय ने साफ कर दिया है कि सरकार चाहे तो चुनाव जल्द से जल्द कराए, आरक्षण के बिना कराए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार के लिए ये भी हिदायत दी है कि जो आरक्षण की नीति है उस पर एक आयोग बनाया जाए और उसका सही तरह से आरक्षण का लाभ भी दिया जाए और उस पर पूरी तरह से सही आरक्षण की बात हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे प्रदेश के अंदर सबकी निगाहें लगी हुई थी कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के लिए जो है वक्त पूरा हो चुका था, लेकिन लगातार यहाँ पर पेंडिंग मामला था और हाईकोर्ट के अंदर जो मामला पेंडिंग था उसको आज फैसला सुनाया गया है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि T3 का पालन किया जाए और हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि सरकार T3 का पालन करे, लेकिन सरकार ने यह भी कह दिया है कि वो आयोग बनाए और सरकार तय करे आरक्षण का मामला। बहरहाल अब सरकार के पाले में डाल दी गई है गेंद कि उसे कब अधिसूचना जारी करनी है या फिर से आरक्षण करना है या चुनाव कराना है। उत्तर प्रदेश लखनऊ हाईकोर्ट से बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आदेश में क्या कहा गया है, क्या कही गई है बड़ी बात, इसके लिए भी बने रहिएगा। मैं सुनवाता हूँ आपको कि इस आदेश में क्या कहा गया है, बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए, हाईकोर्ट के जस्टिस लवानिया और जस्टिस डी के उपाध्याय द्वारा जो फैसला सुनाया गया है 87 पेज का फैसला है। इसके अंदर मुख्य बात ऑर्डर में सबसे पहले लिख दिया है कि फॉर द डिस्कशन मेड एंड रीजन गिवन अबव ऑल द रिट पिटीशन आर अलाउड इन आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। ए, नोटिफिकेशन डेटेड 5/12/2022 इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 9A सब क्लोज 5 सब क्लोज 3 इज हेयर बाय कॉश्ड। इसके बाद बी सेक्शन में साफ कहा है कि द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 12/12/2022 इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच प्रोवाइड्स फॉर ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज अंडर जॉइंट सिग्नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द उत्तर प्रदेश पालिका सेंट्रलाइज सर्विस अकाउंट्स कैडर इज आल्सो हेयर बाय कॉस्ट। ये भी कॉस्ट कर दी गई है। इसके अलावा जो सी में कहा लिखा है कि इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट अंटिल द ट्रिपल टेस्ट कंडीशन एज मेंटेन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन के कृष्णा मूर्ते सुप्रा एंड विकास किशनारो गवाली सुप्रा इज कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन शेल बी प्रोवाइडेड एंड सिंस द टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हैज आइदर एंडेड और शेल बी कमिंग टू एंड बाय 31/1/2023 एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रिपल टेस्ट कंडीशन बींग ऑर्डियस इज लाइकली टू टेक कंसिडरेबल टाइम। इट इज डायरेक्टेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन शेल नोटिफाई द इलेक्शन इमीडिएटली। बहुत बड़ी बात यहां पर कह दी है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने
वाइल नोटिफाइंग द इलेक्शन द सीट्स एंड ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन एक्सेप्ट दोज टू रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शेल बी नोटिफाइड एज फॉर जनरल ओपन कैटेगरी द नोटिफिकेशन टू बी इशूड फॉर द इलेक्शन शेल इंक्लूड द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और डी सब क्लोज जो बनाया है उसके अंदर साफ लिखा है कि इन केस टर्म ऑफ म्युनिसिपल बॉडी कम्स टू एंड एंड टिल द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्टेड बॉडी द अफेयर्स ऑफ सच म्युनिसिपल बॉडी शैल बी कंडक्टेड बाई ए 3-member कमेटी हेडेड बाई द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न ऑफ विच द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमिश्नर शैल बी ए मेंबर द थर्ड मेंबर शैल बी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर टू बी मेंशन बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाउएवर द सेड कमेटी शैल डिस्चार्ज ओनली डे टू डे फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल बॉडी कंसर्न एंड शैल नॉट टेक एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन वी हैव इश्यूड द डायरेक्शन ऑफ इमीडिएटली नोटिफाइड द इलेक्शन being guided by the provision of article 243U of the constitution of india which mandates that election to constitute a municipality shall be completed before expiry of its duration we understand that collection and collation of materials by the dedicated commission is a homogeneous and time-taking task. However, formation of elected municipal bodies by election cannot be delayed for the reason of constitutional mandate contained in Article 243U of the Constitution of India. Thus, to fortify the democratic character of governments of society, it is essential that the election are held at the earliest which cannot wait. बहुत बड़ी बात यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि इसके लिए इंतजार नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए. We also directed that once the dedicated commission is constituted for undertaking the exercise of conducting impartial study as to the nature and implications of backwards for the purpose of providing reservation of to backward class of citizen in the context of election to the urban local bodies. The claim of transgenders for their inclusion among us backward class of citizen shall also be considered. और ई में साफ लिख दिया है there will be no order as to cost. तो माननीय उच्च न्यायालय की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ये आदेश आया है, नगर विकास विभाग के जो नोटिफिकेशन थे उन्हें रद्द कर दिया गया है और जो भी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का यह फैसला माना जा रहा है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की है और नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया है. नगर विकास आरक्षण नोटिफिकेशन को गैरकानूनी बताया है. इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि 7 दिसंबर का जो शासन का नोटिफिकेशन था उसे भी रद्द किया गया है और चुनाव कब होगा इसका फैसला सरकार पर छोड़ा है. ये सरकार करे या आयोग करे ये कोर्ट ने साफ लिखा है. और जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा या यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ये बात कही गई है. जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस लवानिया का यह फैसला है और उन्होंने कहा है कि चुनाव जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा. यूपी सरकार के जो बारे में बात आ रही थी कि पहले 3T फार्मूला अपनाए सरकार, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पहले ही कह चुका है कि 3T फार्मूला अपनाया जाए, तो पहले 3T फार्मूला अपनाए सरकार ऐसा भी हाईकोर्ट ने कहा है. और लेकिन सरकार चाहे तो बिना आरक्षण ही चुनाव कराए ऐसा कोर्ट ने निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार भी बना है इसके अंदर. संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए ऐसा भी कोर्ट ने कहा है और कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए ऐसा भी कोर्ट ने कहा है. लेकिन सबसे बड़ी बात अब सरकार को तय करना है कि वो फिर से आरक्षण की स्थिति लागू करती है या अधिसूचना जारी करती है या चुनाव डिक्लेयर होता है. बहरहाल सबकी निगाहें थी, कोर्ट ने साफ कर दिया है, स्टे हटा दिया गया है. सरकार को तय करना है कि कब होगा स्थानीय नगर निकाय का चुनाव. दूसरी ओर आइयो आपका लेकर चलते हैं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा की ओर. ए के शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं
विकास मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा है बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़ों को आरक्षण देने के पक्ष में है। उन्होंने इस बाबत साफ संकेत दे दिए हैं। तो अब ट्रिपल टी का कानून भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी सामने आएगी, आरक्षण की व्यवस्था भी तय होगी और उसके बाद ही तय होगा कि कब होंगे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव की संभावना टल गई है। अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं होंगे तब तक पूरा आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो जाती है या सरकार अपना पक्ष नहीं रख देती। आइए सुनवा देते हैं जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं ए के शर्मा, उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जबानी। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट का की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हमारे वकीलों की सलाह लेकर के, हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ हाईकोर्ट से बने रहेगा मेरे साथ आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एन न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।